السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم نے آية الكرسي لئيتي قل وبرسوك درس میں اس کو आउमतजीम अल्हलक्यूम अल्लाव वज़ात है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं अमेश से ज़िंदा है अकयूम और कायम उदायम है ला तखो रू स तुम वाला नोम ला नहीं तो आखो रू उसको पकड़ती सिना तुम कोई किस तरह की ऊँग वाला नोम और ना ही कोई नींद लहू माफिल समावाति व माफिल उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जो कोई ज़मीन में है मंदल मंदफ़ वंद बदनी कौन वो शख़्स है कि जो सफ़ारश करे शफ़ात करे उसके हाँ मगर उसके हुक्म से उसके इजाज़त से या यामू जानता है वो माबैना इदी म जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है या जो जाहिर है या छुपा है वाला वलायतू नबी शेमिनम ही और नहीं वो अहात कर सकते कुछ भी उसके इल्म में से इला बिमाशा मगर जो अल्लाह ताहे वसी कुर्सी हुती अर्द वसी है उसकी कुर्सी आसमान वज़मीन से हम जिक्र किया था कि कुर्सी क्या चीज़ है कि क़ुरान सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक जो है वो हकी मनों में जो कुर्सी होती है वो है लेकिन जिस तरह के ताला की जात के लायक है हम उसकी कैफियत को नहीं जानते लेकिन अदीस में उस कुर्सी की वसत बयान हुई हैं कि वो कुर्सी कित किस कदर बड़ी है कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें जो हैं कुर्सी के मुकाबले में इस तरह से हैं कि जिस तरह से कुछ सात दिरहम या सिक्के किसी बड़े तशत और बड़े किसी थाल या डिश में डाल दिए गए हों तो यह डिश या थाल या ये तश जो है कुर्सी की हैसियत रखता है और वो हम जो आसमान और ज़मीन की हैसियत रखते हैं तो माया कि उसकी कुर्सी वसी है आसमान और ज़मीन से जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत का आदमत का बयान है मलाए ऊद हिफ दो और नहीं अल्लाह ताला को थकाती और नहीं उसको किसी लिहाज से भी भारी और उसके लिए बोझ बनती इन दोनों की हिफाज़त आसमान वमीन की और जो उसके अंदर मखलूक़ात अल्लाह की कायनात हैं जिसमें अल्लाह के कमाल कुदरतों का बयान है बहू अलावीम और वो इसके साथ साथ बहुत बुलंद और बहुत आदमत वाला है कि अलाजीम दो अल्लाह के नाम के जिन दो नामों के अंदर अल्लाह की सफतें के अंदर उलू की बुलंदी की सफत के अल्ला तीन लिहाज से बुलंद है अपने मरतबे मुकाम के लिहाज से भी और अपने मकान जगह के लिहाज से भी और अपने बंदों पर और मखलूक़ात पर बंदे अल्लाह ताला का जो गलबा है उस लिहाज से भी अज़ीम और जो बहुत अदमत वाला है कि जिस अदमत के सामने दुनिया जहान की या हर तरह के बादशाहों की दुनिया दुनिया वालों की अदमत सभी के सभी उसके उसके पीछे हैं उसके नीचे हेज हैं और तमाम जाबर झालम बादशाहों के जब जबरदुल यानी कि उनके जो क़वत ताकते हैं अल्लाह के सामने सभी के सभी बेकार और कोई हैसियत नहीं रखती तो ये है आतुलसी के जो मानी हमने ज़िक्र किए थे और बताया था कि आतुलकसी इसमें इस अल्लाह ताला के इसमें आदम भी है और ये आयत अल्लाह ताला की तोहद की तमाम तरह की अकसाम पर मुश्तम है और इसमें हम यानी कि इसकेल्फा और मानी पर इंसान को ग़ौर करके इसको पढ़ना चाहिए ताकि इसका जो सबक़ है और इसकी जो असल मकसद है वो हासिल हो और फजीलत और अजर भी उन्हीं के लिए है कि जो वाकई ही इसके तकादों को पूरा करते हैं इसको पढ़े तो सही लेकिन इसके ख़िलाफ़ चलें शिरको गफर में और विदात में पढ़ें तो जाहिर बात है कि ऐसे आयतों को पढ़ने का उस वक्त तो कुछ फ़ायदा नहीं जब तक उसके ماني پر غور نہ ہو اور جب تک اس کے تقاضوں پر عمل نہ ہو <coughs> اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اكراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسک بالعروبت الوثقالا فصام لہا والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون <applause> लाक राह फिद्दीन ला नहीं है इक राह ज़बरदस्सी फिद्दीन दीन में कद तबैया नरुश्द मिनल गई कद यकीन तबैया न वाज हो गई अरुश हदायत मिनल गई गुमराही से फमय फुरब तावूत बस जो भी कुफ़र करता है तावूत से बादल से वही उम बिल्ल और अल्लाह पर इमां लाता है फ़ाकद स्तम सका पश यकीन उसने मजबूती से पकड़ लिया इस्तम सका कि मानी मजबूती से पकड़ना अम सकसी कोता पकड़ना और उसमें जो शुरू में अलिफ सीन और ता लग गया है उससे मज़ीद माने के अंदर इनके गहराई पैदा हो गई कि जिसने मजबूती से पकड़ा का तिलवस्वा कहते हैं कड़ा अलवस् जो मजबूत हो तो उसने मजबूती से मज़बूत कड़े को पकड़ लिया लनफाम के जो टूटने वाला नहीं अलग होने वाला नहीं वल्लाहु सम़ व नालिम और तार खूब सुनने जानने वाला है अल्लाह आमनु, अल्लाह वो जात है कि जो वली है उन लोगों का जो दोस्त है उन लोगों का ईमान वाले हैं यूँ खरीजूह मनुमानूर निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ मलकफ़रू और वो लोग जिनकफर किया अलिया उहमुताऊत उनके दोस्त हैं ताऊत शैतान युरजून हम मिन नूर अल्जो नुमा जो निकालते हैं उनको रोशनी से अंधेरों की तरफ उलाई का साहबार वही लोग हैं जो आग वाले जहनमाले हैं हमफी हा खालीदून जिसमें वह हमेशा रहेंगे बकरा की आयत नंबर दो सौ छप्पन और सतावन की तिलावत और तर्जमा पेश किया गया है फरमाता अल्लाह फमा तलाकराफ़्दीन नहीं कोई ज़बरदस्ती दीन में दीन से क्या मुराद है दीन से वही अकीदा वही मनहज अल्लाह ताला पर वही ईमान मुराद है कि जो सबका आयत आयतुल कुर्सी में हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी अजमतों का बयान किया है और अपना हकीकी ईमानों में तारफ़ करवाया है कि अल्लाह कौन है और वो किस तरह से वही वह दहूलाशरीक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं अल्लाह ने अपनी तोहद का दावा किया और उस तोहहीद पर फिर बारह दलीलें पेश कं तो वही तोहद जिसका हम साहब का आयत में पढ़ आए हैं यही वो दीन है जो यहाँ पर मुराद है कि लाक्राहफ़ दीन नहीं कोई ज़बरदस्ती दीन में यानी वो अदा वो ईमान वो तो जो आयतुलकरसी में पढ़ी जा चुकी है जो हकीकत में मुकम्मल नज़ाम ज़िंदगी है और जो इस आकदे पर कायम होता है तो मामाता है कि इस दीन के अंदर दीन इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्ती ना होने का माना इससे पहले क्या माना बयान करें इस आयत का शान नजूल जिस तक कि अपने अब्बास रजी अल्लाह त हो और दूसरे बाद मुफसन जिक्र करते हैं कि इस शायद का शान नजूर ये है कि जाहरीत में इस्लाम से पहले अगर किसी औरत को बच्चा ना होता तो वह नजर मानती कि अगर उसके यहाँ बच्चा हुआ तो उसको यहूदी बनाएगी क्योंकि अरबों के यहाँ यहूदी जो हैं वो पढ़े लिखे और दीनदार लोग समझे जाते थे तो चुनाचे अगर किसी के औरत के यहाँ इस तरह से बच्चा पैदा होता तो अपनी वो मनी हुई जो नज़र या मन्नत मानी हुई थी उसके मुताबिक उसको यहूदी बनाते अगर अरब के ख़ुद लोग जो है मुशरक थे बतप्रस्त थे तो उसको यहूदियत के दिन में दाखिल कर देते यहूदियों के साथ उसको कर देते अब क्या हुआ कि जब नबी करीम के आने के बाद यहूदियों की मुख्त तरह की उनकी बगावतें उनकी शरारतें उस वजह से आप सही ने यहूदियों को मदीना से जलावतन किया वहाँ से निकाला तो अब कुछ वो लोग थे इन यहूदियों के साथ जो इन बच्चों में से थे इन नौजवानों में से थे कि जो औरतें जो हैं यहूदियों उनको यहूदी बना चुकी थी तो जब उनको निकाला जाने लगा तो अंसार के मदीना के लोगों ने कहा कि हम इनको जाने नहीं देंगे ये हमारे अपने बेटे हैं और हम कुछ इनको छोड़ेंगे नहीं और उनको ज़बरदस्ती जो है दीन इस्लाम में दाखिल करने की उन्होंने कोशिश की तो उस पर यह आयत नादल हुई कि लाख रहाफ़ द्दीन के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं मतलब ये कि अगर कोई यहूदी बन चुका है और ख़ुद अपनी ख़ुशी से और अपनी मर्ज़ी से वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो तुम उसको ज़बरदस्ती इस्लाम दाखिल नहीं कर सकते इस आयत के शान दूर में ये कुछ बयान किया जाता है लेकिन आयत आम है इस वाक़े के हवाले से भी अरबों का ये मामला जो रहा है जिसका हमने ज़िक्र किया और हर लिहाज से और क़्यामत तक के लिए आयत का हुक्म बाकी है कि मानी कि ज़बरदस्ती दीन के अंदर कोई इस्लाम को इस्लाम के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं यानी लोगों को इस्लाम में दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और किस लिए किया जाएगा जबकि हम इस बात का यकीन रखते हैं कि दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है दीन हक़ है इन दी इस्लाम जिस तरह कि अल्लाह तमाता है कि सच्चा दीन अल्लाह ताला तह तो है इस्लाम है तो अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो फिर इसमें लोगों को ज़बरदस्ती दाखिल क्यों नहीं किया जाता या क्यों नहीं करना चाहिए उस हवाले से ये है जिस तरह के आलाम अब्रसाद रहमत ला बयान फमाते हैं कि दीन दीन इस्लाम जो है अपनी दलीलों के लिहाज से हजरतों के अतबार से और जिस क़दर ये अक़ल और इलम का दीन है और बल्कि दीन फ़ितरत है और हमत और हर तरह के असलाह और यानी कि हर तरह के हदायत पर मबनी है तो इस इन वादे हजरतों के बाद दलीलों के बाद और दीन इस्लाम की इन हकारीतों के बाद दीन इस्लाम इस बात का मोहताज नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती इसमें दाखिल किया जाए क्योंकि ज़बरदस्ती वहाँ पर होती है कि जहाँ से जो कोई चीज़ वाजे ना हो जो चीज़ ग़लत हो और जिससे लोगों की नफसियात उनकी तबीयतें जो हैं उनके दिल जो है वो दूर भागते हों जबकि दीन इस्लाम फितरत का दीन है ये वो दीन है कि जिस पर अल्लाह ने बंदों को पैदा किया है और अक्ल और इल्म का दीन है अकल के तकादों के मुताबिक है और उसकी हजतें और दलीलें भी बिल्कुल दो टोक दोपहर के सूर्य की तरह वाज़े और रोशन हैं तो इसलिए जो दीन इस क़दर वाजे और रोशन है उसमें में दाखिल करने के लिए लोगों को लोगों पर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं इसलिए क्या फरमाया दूसरे जुमले में क्या फरमाया तबैया <कता> नरुस्तु <तुमीन> मिल गई यकीन बयान हो चुकी हदायत गुमराही से यानी इससे पहले दीन इस्लाम के आने से पहले अगरचे लोगों को पता नहीं था कि हदायत क्या होती है गुमराही क्या होती है लेकिन दीन इस्लाम के आने के बाद हर चीज़ वादे हो चुकी पता चल चल चुका कि हक़ क्या है बातिल क्या है हदायत क्या है गुमराही क्या है और जब हदायत के और गुमराही के रफे वादे हो चुके हैं तो उसके बाद अब किसी को ज़बरदस्ती हदायत पर लगाना जो है अल्लाह ताला की हिमत के भी ख़िलाफ़ है इसलिए लिए क्या ने दुनिया को बनाया ही इम्तिहान के लिए है हाँ लोगों को हदायत के और गुमराहियों के रस्ते बता दिए हैं उनके दिल के अंदर भी इल्हाम इस बात का डाल दिया है कि क्या नेकी क्या बुराई है और फिर इस नेकी बुराई को मज़ीद वादे करने के लिए नबी और रसूलों को भेजा अपनी किताबें नादल कर दी तो इसके बाद अब जो है यानी कि जब इस अंदाज़ से हक वाज़े और बयान हो चुका है खुलकर सामने आ चुका है तो फिर अब इस हक़ पर लोगों को चलाने के लिए ज़बरदस्ती उस पर लगाना इसका मकसद है कि वो दुनिया का जो अल्लाह का यानी मकसद है इम्तहान का वो फ़ौत हो जाता ख़त्म हो जाता है ये डंडे के ज़ोर से अगर लोगों को दीन पर चलाना हो तो फिर यानी कौन क्या पता चलेगा कि कौन इस दीन पर अपने दिल से चल रहा है और अल्लाह के ऱा के लिए चलता है और कौन डंडे के ज़ोर से चलता है इसलिए असल अल्लाह ताली की कायनात की हमत यही है कि वो बंदों को शतो हदायत के और गुमराहियों के रस्ते बता दे उसके बाद उनकी मर्ज़ी पर उनको छोड़ दे कि जो भी उनमें से रास्ता इख्तियार करना चाहे करे <क्क्कुण> और यही वो चीज़ है कि जो कुरान करीम अल्लाह ने बार बार बयान की है कि जिस तरह दूसरी आयत में अल्लाह तरमाता है कि अल्लाह ताली चाहता तो सभी लोगों को खुद ही हदायत दे देता हदायत देने का माना कि खुद ही उनके दिल में हदायत डाल देता उन पर हदायत ठोंस देता और आदमी चाहते ना चाहते ज़बरदस्ती भी मजबूरी मजबूरन भी वो हदायत पर चलता और अगर ऐसी चीज़ होती तो फिर जिस तरह हमने बताया है कि दुनिया का मकसद ही ख़त्म हो जाता है जन्नत और जहन्नम के जो जजा और सजा है वो सारी चीज़ें उसके मकासद फ़ोत हो जाते इसलिए असल इम्तहान का तकादा यही है कि लोगों के सामने हदायत गुमराहियाँ बयान कर दी जाएँ वादे कर दी जाएँ उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए कि जो चाहे कुफर अख्तियार करे और जो चाहे ईमान लाए पहली बात तो ये है तो ये माना है लाक राहफ द्दीन के दीन में ज़बरदस्ती नहीं और इसका माना यह भी है इसके अंदर ये भी चीज़ आती है या नरुस्तू के अंदर कि यकीन वाज होगी हदायत गुमराही से कि जिसमें इस बात का बयान है कि मुसलमानों पर फ़र्ज बनता है अहले इस्लाम पर फ़र्द बनता है कि ख़ुद भी अल्लाह के दीन को सीखें और समझें ताकि उनके सामने हदायत वाज हो और गुमराही की पहचान हो और दुनियावारों के सामने भी इस दीन को दीन हक़ को इसको खुल कर बयान करें इसकी हजरतें पेश करें और इसकी हकानियतों को वाजे करें ताकि किसी के सामने दीन इस्लाम के बारे में कोई उलझाओ बा रहे कि दीन सच्चा है या झूठा है सही है या गलत है और उसके बाद भी अगर कोई अपने कुफर पर मुसर रहता है तो फिर उसका कुफर जो है वो हजतें क़ायम होने के बाद है और दलीलें और हर चीज़ वाजे हो जाने के बाद है जिसके बाद उसका को उधर बाकी नहीं रहता कि मुझे पता नहीं चल सका कि दीन क्या है और हक़ क्या है तो कहने का मकसद तो ये इसलिए दीन चुके दीन इस्लाम वाज़ और सच्चा और हक दीन है उसके हकनीतिक वाज़ हो चुकी हैं और करनी भी चाहिए तो इसके बाद फिर हमें इजाज़ नहीं कि हम किसी को ज़बरदस्ती दीन में इस्लाम में दाखिल करें लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर दीन में ज़बरदस्ती नहीं है तो फिर जिहाद और जिहाद के मुतलक जो सैकड़ों आयात हैं बल्कि हज़ारों की तादाद में शायद आएतें हों दीन के गलबे के हवाले से तो ये सारी क्यों हैं और जिहाद के मार के लग खुद नबी के मिसला साम के अपने किए हुए लोगों के अपने भेजे वहाँ के लश्कर और फौजें ये सारी चीज़ें क्यों हैं क्यों हैं तो उसके हवाले से भी ये है कि जिहाद का हुक्म अगर दिया गया है तो इसलिए दिया गया है ताकि पहली बात तो ये है कि लोगों के लिए हक बात को सच्चे दिन को अपनाने के लिए कोई रुकावटें बाकी ना रहें क्योंकि कुफर का गलबा होगा अगर कुफर का जोर होगा और काफर जो है अपने ज़ोर से अपने गलबे के बुनियाद पर लोगों को सच्चे दिन से दीन हक़ से रोकेंगे तो ये भी लोगों के लिए एक हजत बन सकती है कि हमें दीन से रोका गया हमें हक़ हक की तरफ आने नहीं दिया गया तो ताकि जो है ये हजत भी लोगों की ख़त्म हो जाए तो जिहाद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उस दीन हक़ को इसको अपनाने के लिए इस दीन हक़ पर चलने के लिए जो रुकावटें हो सकती हैं कुफर की तरफ़ से अहले कुफर की तरफ़ से उन रुकावटों को ख़त्म करना है उनको गिराना है ताकि जो हक अपनाना चाहता है दीन हक़ को अपनाना चाहता है उसके लिए उसके सामने उसके रस्से खुले हों और वाज़ हों एक बात तो ये दूसरा ये भी कि ताकि दीन इस्लाम जो अल्लाह का सच्चा दीन है इसी का ज़मीन पर गलबा हो और इस, इसका जब गलबा होगा तो फिर हर कोई इस दीन को जब चाहे और जिस तरह चाहे इसको अपना सकता है और दीन पर सही तरीके से चल सकता है तो ये मकसद है इसीलिए अल्लाह ताला का फ़रमान दूसरी आयत में वकून दीन अल्लाह के कातलू हम इनसे जंग करो हर तले तक यहाँ तक के कोई फ़ितना बाकी ना रहे और फितने से मुराद कुफ़र शर्क है याफ़र व शिरक का ग़लबा है ये बाकी ना रहे और अल्लाह का दीन ही सिर्फ़ रह जाए अल्लाह का दीन सिर्फ रह जाने का माना कि दीन अल्लाह के दीन के लिए रस्से इस क़दर खुले हो आसान हो और उस पर चलने के लिए लोगों के सामने हर तरह की चीज़ वाजे हो कि किसी को अल्लाह के दीन पर चलने के लिए कोई रुकावट ना हो तो इसलिए जिहाद का बुनियादी मकसद यही है और यही हम आपके सीरत से देखते हैं कि आपने जंग जंगे की जिहाद किए कताल किए लेकिन हम एक भी मिसाल नहीं पढ़ते कि नबी नबीकाम ने किसी को ज़बरदस्ती दीन में दाखिल किया हो आप जो है दीन के मुखालफ को दीन के राह में जो रुकावटें डालने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते उनके ख़िलाफ़ जंग और जिहाद करते और उनके गलबा ख़त्म करते उनका जोर टूटता लेकिन उसके बाद उनको उनकी हालत पर छोड़ देते उनमें से जो चाहता इस्लाम कबूल करता और जो चाहता अपने कुफर पर बाकी रहता यानी हत्या के फतह होने के बाद भी कि जहाँ से जहाँ जिस मक्का को आपने बाकायदा ज़बरदस्ती फतह किया है जंग करते हुए लश्कर कशी करते हुए और जिन मक्का वालों की आपके ख़िलाफ़ दुश्मनियाँ और अदावतें और देर तक इनके बीस साल से ऊपर तक या बीस साल के करीब या उससे ऊपर तक उनकी मुखालफतें और आपके साथ आपके आपके साथ उनकी जंगें इसके बावजूद भी मकाफत होने के बाद भी आपने उन लोगों को किसी को ज़बरदस्ती दीन में दाखिल नहीं किया बल्कि फतह कर लिया वहाँ पर कुफर का जो जोर था तोड़ दिया कुर का गलबा ख़त्म हो गया और बातिल मिट गया और हक़ वहाँ पर आ गया लेकिन उसके बाद लोगों को उनकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया कि जो चाहे इस्लाम में दाखिल हो और जो चाहे अपने कुफर पर रहे अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से व सभी के सभी लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं और इसी तरह अमूमन मक् के अलावा भी आप जिन इलाकों को फतह करते तो उससे क्या होता कि लोगों के सामने हक़ खुल के वादे होता इस्लाम के हकानियत सामने उनके सामने खुल जाती और जो दीन को कबूल करना चाहता उसके उसके लिए दस्ते आसान हो जाते और फिर अमूमन लोग जो है दीन में दाखिल हो जाते और कुछ आदादर थे जो इस दिन से पीछे रहते तो ये है मकसद जिहाद का तो इससे मालूम हुआ कि जिहाद की आयत जो हैं वो इस आयत के बरख़िलाफ़ नहीं हैं इस आयत के मुजाद नहीं हैं कि लाक्राहद्दीन के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं और कहा जाए कि जिहाद में चूँकि किदाल किया जाता है लोगों पर लोगों को जंग की जाती है तो उसमें ज़बरदस्ती का एक अंदाज़ नज़र आता है हम कहते हैं कि उसके मकासद वो जो हमने ज़िक्र किए हैं कि ताकि दीन हक़ को अपनाने वालों के लिए रस्ते खुल जाए उनके लिए कोई रुकावटें बाकी न रहें और कुफर का गलबा ज़ोर टूट जाए ताकि वो अपने गलबे और ज़ोर की बुनियाद पर लोगों को दीन हक़ से न फेर सके तो ये है जिहाद का असर बुनियादी मकसद और यही हमें जिस बताया है कि अनबिक मिसाई और सबा क़राम और उम्मत मुसलम के जितने भी मार के और जंगे हुई हैं उसके पीछे यही हमें नज़र आता है दूसरे बातल दीनों के बर खिलाफ़ दीनों का हाल क्या होता है कि जब उनका किसी जगह पर गलबा होता है तो फिर अपने बातुलदीन को लोगों पर ठोंसते हैं और जिनके जिस तरह कहा जाता है कि आग और लोहे के ज़ोर से लोगों को उस दिन में दाखिल करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के उदरस में स्पेन में ईसाइयों ने किया कि वहाँ पर मुसलमानों की जब हुकूमत को ख़त्म किया तो ना कि हुकूमत ख़त्म की बल्कि वहाँ के रहने वाले मुसलमानों को भी ज़बरदस्ती जो है ईसाइत में दाखिल किया गया और बल्कि जिसके बारे में शुबा भी होता कि दिल से इसनेसाइत कबूल नहीं की उसको भी दर्दनाक किस्म की अजियतें देकर उसको कत्ल किया जाता मारा जाता और उसकी तारीख़ जो है वाज़ है और तारीख़ में पढ़ने वाले को पता चलता है कि ये बातल दीन ये गुमराह कन दिन किस म पर और किस गुमराही पर मबरी हैं तो खैर बात कर रहे थे तो ये है इस्लाम का इस्लाम की अदमत के लोगों को सच्चा हक बात उनके सामने वाजे करता है अपनी हकानियत उनको बताता है और फिर उसके बाद उन पर ज़बरदस्ती नहीं करता जो चाहे इसको कबूल करे और जो चाहे इसको कबूल न करे और बाद दीन के दुश्मनों ने और जिहाद के ख़िलाफ़ प्रापिगंड करने वालों ने इस आयत को कहा है कि या इस आयत से जिहाद की आयतें मनसूख हो गई हैं ख़त्म हो गई हैं क्योंकि अल्लाह तलाम के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं और ये बात या तो उनकी जहाालत की दलील है कि उनको कुरानी करीम के मकासद का पता ही नहीं इस्लाम के शरीत के मकासद का पता ही नहीं और या फिर जो है वो काफरों के एजेंट कि जो काफरों की जबानों से जो है इस्लाम के खिलाफ प्रापे करके मुसलमानों को उनकी इज़्ज़ों का उनके गलबे का जो रास्ता है उससे हटाना उनमें बेगैरती पैदा करना ये उनका मकसद है तो बाद लोग उनका ये अंदाज़ ये सबका ज़मानों से चलाया है कि जिन्होंने दावा किया कि इस आय से जिहाद के आते मनसूख होगी हम कहें कि मनसूख नहीं हुई बल्कि उसकी हकीकत जो हमने वाज की है वो इस तरह से है इसके साथ साथ मज़ीद ये भी कि अगर कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ तो उसको तो हम ज़बरदस्ती दीन में दाखिल नहीं करेंगे लेकिन जो इस्लाम कबूल कर लेता है अब कबूल करने के बाद अगर फिर से मुर्तद होता है दीन को छोड़ता है तो फिर इजाज़त नहीं कि उसको जो है जो जो चाहे वो करता फिरे हाँ यहाँ पर दीन में सख्ती नहीं उस वक़्त तक जब कोई किसी ने इस दीन को अपनाया नहीं है कि जब कोई दीन इस दीन को अपना लेता है तो फिर उसको इस दीन पर चलना होगा तो चुनाची अगर कोई इस्लाम को कबूल करने के बाद इससे मुर्तद होता है या पहले से मुसलमान था और दीन को इस दिन इस्लाम से मरतद हो जाता है तो फिर ऐसे लोगों के साथ उसकी उनकी बायदा सजा है कि उनको कत्ल किया जाना पहले तो उनसे तबा करवाया जाना अगर तोबा करते हैं तो ठीक वरना उनको कत्ल किया जाना और इसी तरह से दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद अगर दीन के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी करता है आदमी इस्लाम कबूल किया लेकिन नमाज नहीं पढ़ता और नमाज का या तो सिरे से इनकार करता है और ये को शकनी कुफर है और या फिर नमाज ग़लत सुस्ती से नहीं पढ़ता तो तब भी क़ुरान हदीस की सही दलीलों के मुताबिक यही है कि वो आदमी गफल सुस्ती से भी नमाज ना पढ़ने वाला दीन से ख़ारज है काफ़र है और आयम करम इस पर इतफ़ाक़ है कि ऐसे आदमी को बाकायदा उसको नमाज पढ़ने की तल्क़ी की जाए और ज़बरदस्ती उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाए और अगर नहीं पढ़ता तो उसको सजा दी जाए हती कि जेल में डालना या और सजा देना हती के बाद, बाद माने ये भी कहा है कि हती कि उसको कत्ल किया जाए फिर क्योंकि मुतद है दिन से निकल चुका है तो कहने का मकसद इस शायद का मानना यह भी नहीं कि दिन इस्लाम कबूल करने के बाद अगर कोई आदमी जो 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 चाहे करता फिर बल्कि अगर दीन इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसे इस दिन पर फिर चलना होगा तो इस इस आयत का ताल्लुक उन लोगों के साथ है कि जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया लेकिन दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद या दीन इस्लाम में आने के बाद फिर उनको दीन के अहकाम पर चलना होगा अगर ख़िलाफ़ वर्दी करते हैं तो उसकी उनको बाकायदा सज़ा मिलेगी तो यहाँ पर ला एक राफुद्दीन के अंदर कोई कोई इस आयत को हजत बनाकर कर ये भी ना कहे कि मैं जो चाहूँ करूँ कि दीन में सख्ती नहीं हाँ दीन को कबूल किया है दीन इस्लाम पर चले हो तो फिर इस पर चलना पड़ेगा तो ये है इसके जो मानी हैं जिसे समझने की ज़रूरत है तो मायक ला एक दीन में कोई सख्ती नहीं कबरुस्तम गई यकीन बयान हो गया वाज हो गया हदायत का रास्ता गुमराही से गई के मनी गुमराही

तो क्या ये भी हदायत पा गया क्या ये भी हदायत पर आ गया या इस्लाम कबूल तो कर लिया नमाज़ें पढ़ रहा है रोज़े रख रहा है और दीन के अहकाम पर चल रहा है लेकिन साथ साथ जो है उसकी अल्लाह के दुश्मनों के साथ भी तावत के साथ भी उसकी दोस्तियाँ हैं तावूत के लिए भी उसके दिल में हमदर्दियाँ हैं और तावूत के लिए भी उसके दिल में नरम गोशें हैं तो क्या फिर भी हदायत पर है अल्लाह ने हदायत के लिए वाजे किया कि हदायत पाने की शर्त क्या है सच्चा मोमन होने की क्या शर्त है तो मैय फ़ुरब तााहूत वई उम बिल्ला उसके अंदर दो चीज़ें हैं पहली चीज़ क्या फैक्क फ़ुरब ताऊत के जो कुफ़र करता है तावूत से तावूत क्या चीज़ है तावूत के बारे में वैसे तो तावूत का लफ्जी माना है तो गानी से किसी चीज़ का हद से बढ़ जाना किसी चीज़ का हद से बढ़ जाना उसका अपनी हद से निकल जाना इसको कहते हैं तावूत तो चनाचे वो शख्स के जो बंदगी के में हद से तजावत कर जाए या तो खुद ही को अपना अपने आप को खुदा बना बैठे रब बना बैठे और लोगों को अपनी बंदगी का हुक्म दे या फिर वो जो बंदगी करवाने वाले हैं उनके पीछे चले उनका साथ दे तो ये सभी क्या है ये सभी तागूत हैं क्योंकि ममन वो है कि जो अपने आप को अल्लाह के लिए सरेंडर कर देता है उसके लिए झुका देता है तो तावूत के लफी माना हम बयान कर रहे थे कि इसका माना हद से निकल जाना हद से आगे बढ़ जाना और इसके इस लिहाज से तमाम बातलमदात जो है वो सभी क्या हैं तावूत हैं यानी हर वो चीज़ जिसके अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है वो क्या है ताबूत है या तो उसने अपने आप को ख़ुद को तावूत बनाया हुआ है या फिर उसकी इबादत करने वालों ने उसको तावूत बना दिया है तो और इसी तरह से अल्लाह ताला की इताज़ से निकल जाना और अल्लाह ताला की हदों से निकल जाना किसी भी अंदाज़ से और उसमें सबसे पहले तोहेदे और अकीदे का मामला है तो ये कि सभी तागूत के अंदाज़ है। हैं इसी माँबिनकियम रहमत लफमाते हैं तागूत की तारीफ़ में कि तागूत क्या है कुलमा तजावी अब्दुल हद्द हू कि जहाँ पर भी इंसान हदों से निकल जाए मिन मबूदिन किसी की इबादत में और मतबून या किसी की इतबा में अतिन या इतात में या तो अपने आप को ख़ुद ही को रब बना बैठे या अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब बना ले या के हुक्म के खिलाफ किसी की इत करे या अल्लाह उसके रसूल साम के उनसे से हट कर किसी की इतबा करे तो जब भी ये चीज़ है या कर करे या करवाए ये सभी कौन है ये सभी ताउत हैं फमायफ हमय फुरब ताऊत तो ईमान तो लाने के लिए शर्त क्या है पहली शर्त यह है कि तागूत से कुफर हो तागूत हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला के यानी कि बरख़िलाफ़ है जिसको अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया गया है किसी तरह का कोई इंसान हो कोई जिन हो कोई फरिश्ता हो कोई पत्थर हो कोई दरख्त हो कुछ भी क्यों ना हो कोई पेशवा हो या कोई मुफ्ती मुल्ला हो या कुपीर फ़कीर हो या कोई हुक्मरान हो कि जो लोगों को अपने निदाम बनाकर अपने क़ानून बनाकर उन पर ठोंसता है अल्लाह अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ तो ये सभी क्या है सभी ताबूत है जिससे कुफर करना ज़रूरी है कुफर करने से मुराद यानी उसे इनकार हो और उसका उसको छोड़ा जाए उससे बरात की जाए और यही माना है ला इलाहा का हम जब ला लाला कहते हैं तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं जब हमने ला ला कहा तो अल्लाह के सिवा कायनात के हर तरह के मबूदों को हर तरह के मतबूओं को हर तरह के वो जिनकी इताद की जाती है जिनकी इतबा की जाती है उन सभी का इनकार कर दिया कि अगर इबादत है तो सिर्फ़ अल्लाह की अगर हकीकी इतात है तो सिर्फ़ अल्लाह के उसके रसूल की और इत है तो सिर्फ़ नबी नबीकाम की तो ये है कि जो असल ईमान है तो इसलिए ला अः के अंदर ये माना तो यहाँ पर भी फमैक फुरब तावूत जो कुफ्र करता है इनकार करता है तागूत का और इसी तरह से तावूत क्या हैं तावूत हर तरह के वो चीज़ें हैं कि जो अल्लाह से अल्लाह के हुक्म से इंसान को फेरने वाली हों चाहे वो अक़दे ईमान के लिहाज से हो चाहे वो इबादत के तौर पर हो इबादत के इबादत में फेरने वाली हो या वो दुनिया के ज़िंदगी के निजामों में अल्लाह के हुक्म से हटा कर और किसी चीज़ पर लगाने चलाने वाले हों बरदरी के कौम के रस्म व रवाज हों वो मुआरे सोसाइटी के कोई मामलत हों या कोई बीवी बच्चे हो, कोई ख़ानदान हो, कि जो इंसान को उसके अल्लाह के हुक्म से हटाकर उसको किसी गलत राह पर लगाते चलाते हैं तो ये सभी क्या हैं सभी वो तागूत हैं कि जिनसे इनकार करने की जिनसे बचने की ज़रूरत है कि अगर आदमी इनसे नहीं बचता वैसे तो रमाजें पाँचों पढ़ रहा है रोज़ रम़ान के सारे रख रहा है लेकिन अपने कौम कबीले के अपने ख़ानदानों के निजामों पर उनके रस्म व रवाज पर चलते हुए जो है वो अल्लाह उसके रसूल की ख़िलाफ़वर्जियाँ कर रहा है अपने कारोबार के अंदर सूद के हराम खोरियों के मामला चला रहा है और अपनी अदालतों के अंदर कुफर के निजामों को कायम किए हुए हैं तो ये क्या है उसने ऐसे शख़्स ने कुफ ताऊूत से कुफर नहीं किया बल्कि ऐसा शख्स तावूत पर ईमान लाने वाला है तो इसलिए अल्लाह तला पर ईमान की शर्त ये है पहली शर्त यह है कि दुनिया जहान के जितने भी तावत हैं किसी भी अंदाज़ से किसी भी शक्ल में क्यों ना हो उन सभी का इनकार किया जाए सभी को छोड़ा जाए सभी के सभी की खिलाफवर्जी की जाए और सभी का इनकार करने के बाद वही उम बिल्ला पर ईमान लाए हाँ ला, ला पर ईमान लाए तब जाता है कि जब औरों से तावतों से कुफर हो उनका इनकार हो उनकी इबादत का भी उनकी इत का भी उनकी तबाह करने का भी अल्लाह के हुक्म के बरखिलाफ़ उनके पीछे चलने का भी अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ उनके रस्म व रवाज को उनके कानूनों को उनके नजामों को अपनाने का भी तो जब तक इन चीज़ों से कुफर नहीं है जब तक इन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा उस वक़्त तक अल्लाह पर ईमान नहीं है तो इसे माए के जो कुफ़र करता है तवुज़ से वही उम बिल्ला अल्ला और अल्ला पर ईमान लाता है और यही वजह है कि मक् के, के मुशरक वो काफ़र क्यों ठहरे उनके काफ़र ठहरने का मक, उसकी वजह यही थी कि अल्लाह पर ईमान उनका ज़रूर था अल्लाह को मानते थे कि वो हमारा रब है हमारा खालिक, मालिक है रोज़िया देता है लेकिन तावत से कुफ़र नहीं करते थे अल्लाह से हटकर औरों से मांगना उनसे फरियादें करना अल्लाह से हटकर औरों से मुश्किल कुछाई हाजत रवाई की उम्मीदें लगाना अल्लाह से हट औरों के निज़ामों को अपनाना उनके हुक्मों पर चलना अल्लाह के हुक्म के बरखिलाफ़ हाँ जब उनका ये जुर्म था तो इस जुर्म की बुनियाद पर ही अल्लाह ने उनको दो टोक तौर पर क्या फरमाया कुलयाल काफिरून कह दो के अ हो उनको दो टोक तौर पर काफ़र कहा तो ज़रूरत है हकीकत में इस आयत को समझने की और इस्लाम के इस मानी को जानने की आज भी सिर्फ बात मक्का के कुरैश के उन काफ़रों की नहीं है आज भी बहुत से ईमान के दावादारों का यही हाल है कि दावा ईमान का है कलमे पढ़ते हैं और नमाज रोज़े इन चीज़ों का अहतमाम होता है लेकिन उसके साथ साथ तावज़ से कुफर नहीं है अल्लाह से हटकर औरों से उम्मीदें भी हैं उनसे फरियादें भी हैं उनसे दुआएं भी हैं उनके लिए नज़र न्याजे भी हैं उनकी तरह तरह की बातें भी हैं और इसके साथ साथ अल्लाह के हुक्मों के बर खिलाफ उनकी इताते भी की जाती हैं उनके हुक्म भी माने जाते हैं कि चाहे वो मुल्ला मुफ्ती पीर हों या किसी भी या सियासी हुक्मरानों के लीडरों की शक्ल में हो उनकी इताद भी की जाती है अल्लाह के हुक्मों के बरख़िलाफ़ अल्लाह के निजामों को छोड़ कर उनके निज़ामों को अपनाया जाता है अल्लाह की शरीयत को छोड़ कर उनके बनाए हुए कानूनों को लिया जाता है तो कोई शक नहीं कि ये सभी क्या है ये तागूत पर ईमान है कुफर नहीं है <clears throat> तो अल्लाह ताला को ऐसा दीन काबिल कबूल नहीं है अल्लाह को वो दीन चाहिए कि जिसमें सबसे पहले तागूत से कुफर हो उससे इनका, उसका इनकार हो उसके बाद अल्लाह पर ईमान लाया जाता है तो ये और यही माना जिसने हमने जिक्र किया है कि ला अला का है कि ला इलाह कह कर अल्लाह के सिवा कायनात के हर तरह के उन चीज़ों का इनकार कर दिया जिसकी इबादत होती हो या जिसके अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ उसकी इतात या उसकी इतवा की जाती हो उनका इनकार कर दिया और अला कह कर सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान उसके हुक्म को अपनाना उसकी शरीयत को लाना और उसकी इतात करना और उसके दिए हुए शरीयत पर उसके निज़ाम पर चलना उसके दीन पर चलना ये है जो अल्लाह का दीन है और ये है जो ईमान है कि जो अल्लाह ताला बंदे से चाहता है तो बात कर रहे थे कि ज़रूरत है इस ईमान को समझने की कि जब तक तावतों से अल्लाह के सिवा औरों की इबादत से उनकी इताज से उनकी यानी कि इतबा से उनकी इन चीज़ों से सभी से इनकार नहीं है अल्लाह तला की जब मुखालफत होती है जब अल्लाह की इबादत के बरखिलाफ़ चीज़ें होती हों तो उस वक़्त तक जो है ईमान नहीं है समाया कि जो आदमी इस अंदाज़ से ईमान लाता है के ताबूतों से औरों से कुफ़र करके उनको छोड़ कर उनसे बरात करके और एक अल्लाह पर सच्चाईमान ला कर फ़क़दस्तम सबलविल वस्फाम फमाता है कि ऐसा करने वाले ने क्या किया ऐसा करने वाले ने कैसा दीन अपना लिया कैसा रास्ता इख्तियार कर लिया और कैसा मजबूत किला उसने अपने आप को उसमें महफूज कर लिया फ़माया फ़द्तम सबलविल वस्फाम फ़कत पस यकी और क़द का लफ्ज़ यकीन के लिए आता है किसी बात की ताक़ करते हुए तो यकीनी तौर पर उसने क्या किया इस तम शक हमने जिसा जिक्र किया है अम शमसी को तब पकड़ना और अरबी का कायदा कुलिया है कि जब किसी लफ्ज़ के अंदर ज़्यादा हरूफ आ जाए तो उसका माना भी और गहरा हो जाता है और मजबूत पुख्ता हो जाता है तो अम सकयमसी को मानी पकड़ना लेकिन इस तमसक मजबूती से पकड़ना उसने मजबूती से पकड़ लिया क्या चीज़ पकड़ ली उरवा कहते हैं किसी कड़े को किसी हैंडल को किसी उस चीज़ को जिसको आदमी पकड़ कर जो है अपने आप को बचाता है और उसका सहारा लेकर अपने आप को किसी ख़तरे से निकाल लेता है तो माया के से फदस यकीन ने उसने पकड़ लिया मजबूती से पकड़ा क्या चीज़ पकड़ी बिल उरवा को कड़े को हैंडल को जो कड़ा हैंडल कैसा है अलवस् जो हैंडल कड़ा भी बड़ा मजबूत है हैंडल भी बड़ा मजबूत है बालोकात का आप कड़े को पकड़ते तो हैं लेकिन कड़ा जो है वो ख़ुद ही कमज़ोर है टूट जाता है लेकिन ये कड़ा क्या है उसका जो बड़ा मजबूत है टूटने वाला नहीं है और टूटने के सिवा और क्या होता है बालूकत कड़ा तो बड़ा मजबूत होता है लेकिन वो अलग हो जाता है वो उखड़ जाता है तो फमा तन फ़िर ये ऐसा कड़ा है जो खुद भी बड़ा मजबूत है और मज़बूती से गड़ा हुआ लगा हुआ है कि जो अलग होने वाला भी नहीं है जो जुदा होने वाला भी नहीं है यानी इसकी मिसाल अगर हम हकीकी ई मानों में देखना चाहें कि दुनिया के फितने शैतान की गुमराहियाँ और दुनिया वालों के जो तरह तरह के गुमराहियों के अंदाज़ हैं दुनिया में रहते हुए इन गुमराहियों से बचने के लिए आदमी किस तरह से बच सकता है कि अल्लाह के दीन को ईमान को तोहद को इन चीज़ों को इस अंदाज़ से मज़बूती से इन पर अमल पैरा हो कि मज़बूत दोनों हाथ किसी उस पर जमा दिए गए हों ताला के हुक्मों पर मजबूती से अमल पैरा हो कोई चीज़ उससे छूट ना पाए जैसे कोई आदमी कुछ को किसी तेज़ धार जो दरिया है कोई पानी की धार है उसमें गिर पड़ता है अब उस तेज़ पानी के अंदर उसको अपने आप को बचाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसके हाथ में कोई फ़र्ज़ करें कोई दरख्त की टहनी किसी दरख़त की जड़ आ जाती है अब वो दरख्त की जड़ या टहनी को किस अंदाज़ से पकड़ेगा पहली बात तो उसके अपने हाथ बड़े मजबूती से उस पर गाड़ेगा और इसी चीज़ को नबी ने अहदी से बयान फुमाते फमाया है अली कम बसन्नति वसन्नतलफ़ाशदी तमस्क वद बिल नवाजिद के जब गुमराइयाँ फ़ितने होंगे तो उन हालात में तुम कैसे गुमराहियों से बच सकोगे कैसे अल्लाह के सच्चे दीन पर चल सकोगे उसके मतलब माते अल्लाह तफमाते हैं कि तुम उस उन हालात में मजबूती से मेरी सुन्नत पर अमल पैरा होना और मेरे बाद खुलाफ़ राशिदीन की सुन्नत पर अमल पैरा होना बिहा मजबूती से उसको थामना हाथ मजबूती से उस पर जमा लेना बद्दा बिन नवाजिफ हती कि अगर हाथ छूटने का ख़तरा है तो उस पर दान दाड़े भी जमा देना यानी जिस हम मिसाल दे रहे थे कि आदमी किसी तेज़ धार पानी के अंदर गिर जाता है जहाँ पर बहुत तेज़ पानी बहता हो पानी के तेज़ बहाव से बचने के लिए क्या है कि उसके हाथ में कोई टहनी कोई दरख्त या कोई जड़ कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है तो पहली बात तो उसको पकड़ने का उसका अंदाज़ क्या होगा कि बड़े मजबूती से दोनों हाथ उस पर जमाएगा कि कहीं हाथ छूट ना जाए और आदमी उस बहाव के साथ उस के उसके साथ बह ना जाए और फिर अगर उसको हाथ छूटने का ख़तरा होगा अगर बहाव इतना तेज़ है तो हती कि मुमकन है कि अपने दाँ दाड़े भी उस पर जमा दे ताकि जो है वो बहने से और पानी के साथ जो है पहने से जो है बच जाए और इस चीज़ से महफूज हो जाए तो यहाँ पर भी यानी इस कुरान करीम की इसत में भी और नबी कलम के इसदीस में भी हकीकत में इशारा है दुनिया के अंदर तरह तरह की गुमराहियों का दुनिया के फितनों का जिसमें सबसे बड़ा फ़तना शैतान का है और फिर इंसान की नफसानी ख्वाहत का है और फिर माहौल माशरे में तरह तरह के वो तावूत फैले हुए जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जब कभी सियासी लीडरों की शक्ल में होते हैं कभी गुमराह किस्म के पीरों मुलाओं की शक्ल में होते हैं कभी कुरान सुनने से हटाने वाले मली मुला मुफ्ती होते हैं कभी जो है वो ख़ानदान और कौम कबीले और सोसाइटियाँ होती हैं कि जो लोगों को इंसान को जो है तरह तरह के हथकंडों से जो है अल्लाह के दिन से फेरते गुमराह करते हैं तो आदमी इन सारी गुमराहियों से कब बच सकता है कि जब किसी ऐसे मज़बूत कड़े को पकड़े कि जो कड़ा ख़ुद भी मज़बूत हो उस पर आदमी मजबूती से जमा दे और कड़ा मजबूत होने के साथ साथ ऐसा हो कि लन फ़िर शाम के जो अलग होने वाला भी ना हो उखड़ जाने वाला भी ना हो तो अल्लाह माता है कि जिसने तावूतों से कुफर करके उनका इनकार करके उनसे बरी होकर उनको छोड़कर सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान उसकी शरीयत पर अमल किताब सुन्नत की तालीमत को लेना उनको समझना उन पर अमन प्यारा होना हाँ जिसने ये काम किया उसने क्या किया फ़क़द वस्का, उसने मजबूती से ऐसे मजबूत कड़े को पकड़ लिया लनफी शाम जो अलग होने वाला नहीं वल्लाहु व्ला समीम औरल्ला तूब सुनने जानने वाला है जिसमें इस बात का बयान है कि बात सिर्फ़ लाहरी आमाल की नहीं है बल्कि ज़ाहरी आमाल के साथ साथ अल्लाह बंदों के मामलात को जानता भी है कि वो क्या कर रहे हैं उनकी बातों को सुनता भी है कि ज़ाहिरन फ़र्द करो किसी ने मजबूती से अपने आप को बड़ा लोगों के सामने मजबूत बना लिया लेकिन उसका दिल कैसा है उसके मामलात कैसे हैं अल्लाह ताला इन सभी चीज़ों को जानता सुनता है तो इसी फ़मा कि अल्लाह ताली ख़ूब सुनने जानने वाला है और इसमें मज़ीद ये भी कि अल्लाह के दीन पर चलने के लिए अगर कोई मुशक्तें हैं मुसीबतें हैं तकलीफ़ें अजीतें हैं तो ना समझो कि अल्लाह ताला तुम्हें इन आने वाली अजीतों से बेपरवाह है या उससे बेखबर है बल्कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब सुन भी रहा है और ख़ूब जानता भी है कि बंदों के साथ क्या हो रहा और क्या हो क्या कर रहे हैं आज मेरा खनिश याद पर इतफ़ा करना पड़ेगा दोबारा देखिए इस याद के मानी को लाक राफ्दीन नहीं कोई ज़बरदस्ती दीन में कद तबैया न रुश गई यकीनन वाज हो गया हदायत का रास्ता गुमराही से यकफुर तावूत बस जो भी कुफ्र करता है इनकार करता है ताग़ूत का वही उम बिल्लाह और एक अल्लाह पर ईमान लाता है फ़क़द इस्तमसक बिल उरवतिल का बस यकीनन उसने मजबूती से पकड़ लिया इस्तम मजबूती से पकड़ लिया उरवा कड़े को किसी हैंडल को अलव जो बड़ा मजबूत हो लनफामा और जो अलग होने वाला ना हो व्ल्ला सभीम और तरकूब सुनने जानने वाला है बानकल्लाफिक मज़ाक हूँ बखेर